तो युक्रेन रशिया वच्चे तनाव की वच्चे सौथी मोटा समाचार युक्रेन छ शहरों पर हुमलो करी देवामां आव्यो छे अने साथे ज रशियाए जे महाजंगनी शुरुआत करी छे। रशियानी त्रणे सेनाए युक्रेन पर एक साथे हुमलाओनी शुरुआत करी दीधी छे। 12 जग्याओ पर सीधो एटेक करी देवामां आव्यो छे। रशियानी सेनाना टैंक युक्रेन में घुसी चुक्या छे तो कीव सहित युक्रेन में 12-13 जग्याए हुमला करी देवामां आव्या छे। बॉम्ब अने मिसाइल तेमज ड्रोन वडे पण हुमलाओ करवामां आव्या छे। साथे ज रशियन नेवीए पण ब्लेक सीमा तेनो ऑपरेशन शुरू करी दीधुं छे। कीव एरपोर्ट पर रशियानी सेनाए कब्जो कर्यो ना समाचार सामे आवी रह्या छे। युक्रेनमां ड्रोन थी पण हुमलानी शुरुआत कराई अने जे 6 शहेरो विस्फोटथी ध्रुजी उठ्या छे। आ साथे ज जे रशियाए महाजंगनी शुरुआत करी दीधी छे। अमेरिका ने सीधी चेतवणी पण आ महाजंगनी शुरुआत द्वारा आपी दीधी छे। तो युक्रेन हवे केवा प्रकारनी जवाबी कार्यवाही करशे ते जो महत्वनुं रहेशे। कीव खार्किव सहितना 6 शहेरो अने लगभग 12-13 जग्याओ पर वायुसेना नौसेना द्वारा पण हुमलाओ करवामां आव्या छे। रशियन सेनानी त्रणे पांखो द्वारा अत्यारे युक्रेन ने दबाण में लावानो प्रयास करवामां आव्यो छे। तो कीवना एरपोर्ट पर पण रशियन सेनाए कब्जो करी दीधो छे। आ साथे ज रशियाना हुमला पर जो बाइडने महत्वनुं निवेदन आप्युं छे अने कह्युं छे के मौत अने तबाहीनुं जवाबदार रशिया ज रहेशे। जंग माटे रशिया जवाबदार छे। रशिया ज आ तमाम जे तबाही पाछळनुं मूळ कारण रहेशे। जो बाइडने महत्वनुं निवेदन आप्युं અને રશિયાને આ તમામ કાર્યવાહી માટે જવાબદાર ગણાવ્યું છે। 6 શહેરો ઉપર જે મિસાઇલ એટેક કરવામાં આવ્યો યુક્રેનની રાજધાની કીવમાં પણ મોટો વિસ્ફોટ થયો છે। આપ જોઈ રહ્યા છો સીધા દ્રશ્યો કે જ્યાં મિસાઇલ એટેક બાદ ભારે ધડાકાઓ થયા હતા। जवाब देंगे और जीतेंगे ये कह दिया है यूक्रेन ने। रूस ने पूरी तरह से युद्ध शुरू कर दिया है यूक्रेन की तरफ से ये औपचारिक ऐलान। एक तरफ औपचारिक युद्ध का ऐलान रूस के राष्ट्रपति करते हैं लेकिन जिक्र करते हैं पूर्वी यूक्रेन के डोनबास रीजन का। लेकिन अब जो खबरें जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि पूरे यूक्रेन को अपनी जब में लेने हैं की कोशिश रशियन सेनाओं की है। और ऐसे में यूक्रेन साफ तौर पर यह बता रहा है पूरी दुनिया को कि रूस ने पूरी तरह से युद्ध की शुरुआत कर दी है। तेजस्विनी साहब आपकी बात बीच में रुक गई थी कट गई थी। मुझे ये बताइए कि अब यूक्रेन के पास ऑप्शन क्या है क्योंकि अभी नेटो का मेंबर तो यूक्रेन है नहीं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर मुल्क यूरोपियन यूनियन क्या सिर्फ बयान पे बयान ही देते रहेंगे या फिर यूक्रेन की मदद के लिए जमीन पर उतरेंगे? ऐसी कोई भी संभावना दूर दूर तक नजर आती है क्या आपको? नहीं, मुझे कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। यूक्रेन के पास बिल्कुल कम ऑप्शन बचे हुए हैं। आपने अगर नेटो उनके तरफ से इंटरवीन करता भी है तो उनके उस इंटरवेंशन के भी तो सामे युक्रेन नो पण निवेदन सामे आव्युं छे। रशियन हुमला बाद युक्रेन नो पहेलुं निवेदन सामे आव्युं छे के जवाबी कार्यवाही रशिया सामे करवामां आवशे। जे रीते युक्रेन उपर एक साथे रशियाए हुमलाओ कर्या छे त्यारबाद युक्रेन नो पहेलुं निवेदन सामे आव्युं छे के रशियाने तेनो जवाब बराबर आपवामां आवशे। रशियाए युक्रेनना एरबेझ उपर पण मोटो हुमलो कर्यो छे। एक साथे 12 स्थळો ઉપર હુમલા કરવામાં આવતા તેનો યુક્રેન હવે જવાબી કાર્યવાહી કરવા તૈયાર છે તેવું તેમના નિવેદનમાં સામે આવ્યું છે। યુક્રેનમાં જે રીતે હુમલાઓની શરૂઆત કરી દેવામાં આવી છે, પુતિને પહેલા યુદ્ધની જાહેરાત કરી યુક્રેનની સેનાને હથિયારો નીચે મૂકી દેવા કહ્યું, પોતાના ઘરમાં પાછા જવા કહ્યું અને આ સાથે જ હુમલાઓની શરૂઆત કરી દીધી, તો બીજી તરફ યુક્રેને પણ હવે જવાબી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને રશિયાને તેનો બરાબર જવાબ અપાશે તેવું નિવેદન આપી દીધું છે। તો રશિયાના હુમલા બાદ યુક્રેને પહેલું નિવેદન આપ્યું અને કહ્યું છે કે રશિયાના હુમલાનો જવાબ આપીશું અને જીતીશું પણ। જે રીતે પુતિને પહેલા યુદ્ધની જાહેરાત કરી ત્યારબાદ હુમલાઓ શરૂ કર્યા,
અને ત્યારબાદ જો બાઇડને કહ્યું કે આ તમામ જે તબાહી અને મોત પાછળ રશિયા જવાબદાર રહેશે અને સાથે જ યુક્રેને પણ હવે પોતાનું પહેલું નિવેદન સામે મૂકી દીધું છે અને કહ્યું છે કે અમે તેનો બરાબર જવાબ આપીશું અને રશિયા સામે જીતીશું પણ ખરા। યુક્રેને કહ્યું કે બેલેસ્ટિક મિસાઇલથી રશિયાએ હુમલો કર્યો છે, ડ્રોનથી પણ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, આ તમામ હુમલાનો અમે બરાબર જવાબ આપીશું અને અમે જીતીશું પણ ખરા। રશિયાના હુમલા બાદ યુક્રેને પહેલું નિવેદન આપ્યું અને जिसमें यूक्रेन कह रहा है कि कीव में मिसाइल से हमले कर रहा है रूस, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से रूस हमले कर रहा है और यूक्रेन के शहर रूसी स्ट्राइक की इस वक्त चपेट में है। और ये यूक्रेन का पहला बयान अभी स्थिति में समझ में आ रहा है जहां यूक्रेन कह रहा है कि रूस ने पूरी तरह से युद्ध शुरू कर दिया है, रूस के हमले का जवाब देंगे और जीतेंगे भी, लेकिन इसके साथ ये भी कि कीव में मिसाइल से रूस हमले कर रहा है। और देखिए यूक्रेन का रिएक्शन तो हम बता रहे हैं, पहला रिएक्शन यूक्रेन का पहला बयान सामने आ चुका है इस हमले को लेकर, कीव में मिसाइल से हमले कर रहा है रूस, ये यूक्रेन ने कहा। औपचारिक बयान हम आपको सुना रहे हैं यूक्रेन का, और बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं कीव। पहले आपको बताया था खार्किव और दूसरे शहरों पर धमाका हो रहा है, लेकिन अब देखिए कीव यानी राजधानी में ही हमले हो रहे हैं और ये यूक्रेन ने भी पुष्टि कर दी है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, रूस के हमले का जवाब देंगे, ये एक तरफ यूक्रेन की तरफ से कहा गया है। यानी अब होगा क्या, एक तरह की कत्लो गारत ग्राउंड पर मचती हुई इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि अब इस हमले का अंजाम क्या होगा ये सोचकर भी दिल दहल जाता है। रूसी हमले पर यूक्रेन का पहला बयान सामने आया है, वो ये बताने की कोशिश है कि यूक्रेन किसी भी हाल में झुकेगा नहीं और रूस की सेनाओं के सामने सरेंडर नहीं किया जाएगा। यूक्रेन पूरी दुनिया को यह भी बता रहा है कि युद्ध की शुरुआत की जा चुकी है रूस की तरफ से, और बैलिस्टिक मिसाइलों से राजधानी कीव पर भी अटैक।